हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो टुडे इन दिस वीडियो मैं आज आप लोग के साथ ये मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी होने वाली है या फिर जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है। वो अपना शादी के बाद डेली मेकअप रूटीन कैसे मेकअप करें, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, मैंने लैक्मे का पीस में मॉइस्चराइज़र लगाया। मैंने यहाँ पर प्राइमर पर स्किप किया है। अगर आप प्राइमर स्किप ना कीजिए, अगर आपके बहुत ही सेंसिटिव स्किन या फिर बहुत ही ज़्यादा ओपन पोर्स है तो आप प्राइमर अप्लाई ज़रूर करिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लू हेवन का बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये बीबी क्रीम ना ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से तो बहुत अच्छा इजीली ब्लेंड हो जाता है, बट ब्रश की हेल्प से ना ये इजीली ब्लेंड नहीं हो पाता है। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ये एग्जैक्ट मेरी स्किन से मैचिंग का है, आप देख सकते हैं डिफरेंस भी। जितने भी अनइवन स्किन थे वो सारे इवन हो चुके हैं। तो बहुत ही मतलब बोलिए कि अच्छा ही है, लो प्राइस पे है, बजट फ्रेंडली है, तो बिगनर्स के लिए अच्छा है। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ब्यूटी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करना है, बिकॉज ये ब्रश के हेल्प से उतने अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है, पैचीनेस आ जाती है। तो आप ब्लेंड कर लीजिए, मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया है। साथ में आपको नेक को भी करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये अब मैं सेम यहाँ पर ब्लू हेवन का कंसीलर यूज़ करूँगा अपने अंडर आई एरिया पर, आईज के लिड पर एंड नोज के अराउंड, माउथ के पास इन एरिया में अच्छे से जहाँ जहाँ नीड है हमें वहाँ वहाँ हम अप्लाई कर लेंगे। ज़्यादा हमें हाई फुल कवरेज बेस तैयार नहीं करना है, बिकॉज हम डेली रूटीन में हैवी बेस नहीं अप्लाई कर सकते। तो अब बारी है, मैं यहाँ पर जस्ट हल्का लिप एंड चीक टिंट करूँगी। अगर आप कोई अच्छा ब्लश इन्वेस्ट करना चाहते तो ये ब्लश लीजिए, आप क्रीम ब्लश यूज़ करिए, लिक्विड ब्लश यूज़ कीजिए। इससे ना बहुत ही अच्छा नेचुरल फिनिश मिलता है, बहुत ही नेचुरल सा लगता है, ऐसे नहीं लगता कि आपने ओवर कोई ब्लश लगा रखा है। तो ब्लेंड हो चुका है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने पूरे फेस को सेट कर लेंगे। मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर ही ले रही हूँ, आप चाहे तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो लीजिए। ज़रूरी नहीं कि मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सेम वही आप यूज़ करिए। तो पूरे फेस को हमने सेट कर लिया। मैं यहाँ पर NYB का ब्रॉ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ब्रॉ फिल नहीं करते तो आप ज़रूर फिल करिए, बिकॉज मेकअप करने से ही पूरे लुक, मेकअप करने के बाद भी ब्रॉ फिल नहीं करते तो हमारा लुक उतना अच्छा नहीं नज़र आता है। जब आप देखेंगे कि मैंने ब्रॉज फिल कर लिया है तो मेरा फेस पूरा चेंज हो चुका है, बहुत ही अच्छा मतलब एक शेप मिल जाता है। देन हम क्या करेंगे, ये पर्पलिस काइंड ऑफ शिमरी शेड लेंगे एंड उसे पूरे आईलिड पर अप्लाई कर लेंगे। एंड देन हम उसी पैलेट से ही गोल्डन आई शेडो लेके उसे हाइलाइटर के रूप में यूज़ कर लेंगे। डे टाइम में अगर आपको ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पर न्यूट सा लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज डेली आप रेड या फिर डार्क बोल्ड लिपस्टिक तो नहीं लगा सकते। अगर आपको पसंद है तो आप लगाइए, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। अब हम काजल यूज़ कर लेंगे अपने लोअर वाटर लाइन में, अपर वाटर लाइन में, एंड इसे ही हम एज ए आईलाइनर के रूप में अप्लाई करेंगे। तो बहुत ही पतला मैं यहाँ पर लाइनर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज दिन भर पूरे दिन आप इतने हैवी आई मेकअप भी नहीं कर सकते, तो क्या सटल रहेगा ना, तो कंफर्टेबल लगेगा। तो इसलिए ये स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनकी शादी हो रही है या फिर होने वाली है, वो एवरी डे कैसे मेकअप कर सकते हैं। तो और तो मैं यहाँ पर मस्करा यूज़ करी, ये मेरा मोस्ट फेवरेट मस्करा बन चुका है। अफोर्डेबल प्राइस में बोलिए तो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड करूँगी मैं ये। आपको बहुत अच्छे से कोट करना है अपने लैशेस को, जिससे ना बहुत ही मतलब ऐसे लगेगा कि आपने फॉल्सेस लगा रखे हैं। आप अगर 2-3 कोट भी कर सकते हैं उससे और भी ज़्यादा ऐसे लगेगा कि आपने फेक लैशेस लगाए हैं, बट वो हमारा नेचुरल। यहाँ पर मैं मस्ती कर रही हूँ। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक, आई होप आपको पसंद आए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर।